आगामी 3 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। चोकर साहब, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा से एक भी सीट ना जीत सकी, यहाँ तक कि रोहतक से भी आप हार गए, जहाँ पर आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जाट नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा। हार के कारणों का आपने, आपकी पार्टी ने क्या विश्लेषण किया है? देखिए, पूरे देश की राजनीति की बात करना चाहूँगा। जो लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में धर्म की, जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा प्रदेश में इन्होंने धर्म और जाति को लड़ाकर, जैसे बाहर हिंदू और मुसलमान की राजनीति पर उन्होंने गेम खेला, ऐसे हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करके इन्होंने हरियाणा में अपनी कामयाबी हासिल करने की पारी जीती उन्होंने। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की 10 सीटों की बात है, रोहतक की बात कर रहे हैं आप, सोनीपत की बात कर रहे हैं, मैं सोनीपत इंचार्ज था, मैंने सारी चीज़ें आंखों से देखी। और जो हरियाणा में जो 10 की 10 सीटों का, इसमें कोई दो राय नहीं कह सकते, मोदी जी की लहर थी स्पष्ट, लेकिन साथ साथ ईवीएम की गड़बड़ाहट भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी चरम सीमा पर चर्चाएं थी। लेकिन जहाँ तक लोकसभा की बात, रोहतक सोनीपत की बात कहना चाहूँगा, इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने विकास की बात छोड़ दी, डेवलपमेंट की बात छोड़ दी, जातिवाद का नारा लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, अब समझ चुकी है, सबक सीख चुकी है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस भारी बहुमत लेकर, ये 75 सीट की बात करते हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर साहब, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उलटफेर होगा, 75 सीट कांग्रेस लेकर आएगी। और लोग अब इनकी जो झूठे वायदे, झूठे लुभावने, जो हरियाणा की बात करना चाहूँगा, 164 वायदों में से भी पूरा हरियाणा में नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनको अफवाहों से चीज़ों लोगों को भ्रमित करना इनके क्षेत्र में। जैसे अभी इन्होंने कहा, पीछे चुनाव में हरियाणा की बात कहना चाहूँगा, हमने नौकरी में पारदर्शिता की, मैं पारदर्शिता तथ्यों के आधार बात करना चाहूँगा। जब हरियाणा सरकार बनी, खट्टर साहब हरियाणा मुख्यमंत्री बने माननीय, अगर उन्होंने पारदर्शिता इंटरव्यू के नंबर ख़त्म करने, तो जब सरकार बनी तो जब इन्होंने पारदर्शिता दिखानी थी, जब लास्ट मोमेंट पे 5 साल लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले एक डी ग्रुप की लिस्ट निकाली इन्होंने, उसमें इन्होंने इंटरव्यू के नंबर ख़त्म कर दिए। हमारी सरकार में इंटरव्यू होते थे, पेपर भी होते, एग्ज़ाम होते थे, ऐसा नहीं कोई मेरिट के आधार पर है। हमारी 9 से 14 में विधायक रहा, हमारे सरकार में बड़े अच्छे काम हुए, मेरिट के आधार नौकरियां लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने अगर इन्होंने पारदर्शिता दिखानी होती, तो इंटरव्यू ख़त्म करने की बात जहाँ तक कह रही है सरकार, 4.5 साल तो इंटरव्यू देते रहे, अच्छी अच्छी पोस्टें, अच्छी अच्छी नौकरियाँ, तहसीलदार, एडीओ, बीडीओ, इंस्पेक्टर, बड़े बड़े जो अच्छी पोस्ट थी उन्होंने, ये तथ्यों पर बात करना, तो 25 नंबर या 20 नंबर, 50 नंबर इंटरव्यू उन्होंने रखे, मिनिमम 25 नंबर SSC में, HPSC में। आज भी जो अच्छी पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट निकली है, अभी HCS की पोस्टें निकली हैं अभी HPSC में, तो उन्होंने नंबर 50-50 नंबर के इंटरव्यू हैं, तहसीलदार में इंटरव्यू हैं, डी ग्रुप। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू वाली जो प्रोसेस होती है, उसमें खट्टर सरकार भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है। यस, ये तो दिखती हुई, तो तथ्य हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोलता है। अब जो अब उन्होंने डी ग्रुप में कहा, डी ग्रुप में उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म कर दी, अगर पारदर्शिता करें तो 5 साल क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं की, अब चुनाव के एंड टाइम पर उन्होंने पारदर्शिता याद आ गई। डी ग्रुप में 5,000 बच्चे लगे, हमारे टाइम में लाखों नौकरियाँ लगी हैं, एग्जाम हुए हैं, मेरिट पर बच्चे लगे, इंटरव्यू था हमारी सरकार में, कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन इनकी सरकार में इंटरव्यू 4.5 साल तक चला, लास्ट के 53 डेज में इन्होंने इंटरव्यू ख़त्म किया है। इसको लोगों को लुभावना, लोगों को अफवाह में करना इनका चित्र में। चोकर साहब, अभी भी आपने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा संगठन और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो इन चुनावों में
90 में से 70 सीट 75 सीटें जीतेंगे, जबकि आपने दावा किया कि इस बार उलटफेर होगा और आप यानी कि कांग्रेस कम से कम 75 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जाता है जी, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य नेता नहीं है और वो सर्वमान्य नेता नहीं है, ऐसे में एक लीडरशिप का अभाव इस समय हरियाणा में कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो फिर आप कैसे 75 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में, देखो पूरे स्टेट में हर पार्टी में ही होता है थोड़ा बहुत कंपटीशन, सबका मन करता मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं सभी हमारे हरियाणा के नेता माननीय सभी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है उनका मतभेद मन के ना, देखो इन्हों का जो विचार है विचारों का खेल है सारा, लेकिन पार्टी एक है, सब सीनियर लीडर अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे हमारे अशोक तंवर जी प्रेजिडेंट PCC हरियाणा है, चाहे सुरजेवाला साहब हैं, जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी अपने फील्ड में पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है लोकसभा चुनाव भी मैं मानता हूँ, वो सबके सामने हुई भी है, रिजल्ट आए हैं। नहीं, आप चोकर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो मैं आपकी बात से समझा कि नेताओं में मतभेद हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं है,